कहाँ पहुँचे हम? ऐसा लग रहा है मानो सदियों से इस वैन में बैठे हों। वैन, देखो, टेस्टी कैंडीज। क्या बात है? वैसे मेरी जेब में एक 10 का नोट तो था, पर कहाँ गया? ये रहा। ये नोट किसी को चाहिए क्या? वो वाली टेस्टी लग रही है। ये क्या? ओह नो! आओ भी। ऐसे मौके पर मेरी मदद करना उसका ही काम है। मैटर बनने में जो मजा है वो किसी में नहीं। कहीं ना कहीं तो चिलर मिलना ही चाहिए। कुछ तो मिले। बदबूदार मोजा। ये हुई ना बात। बस समझो पहुंच गया। कितना हसीन नजारा है। मार्केट में नई कैंडी आई है। मदद करो, मजाक नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि 10 रुपए तुम जैसे पर क्यों खर्च करूँ, जरा महंगा सौदा है। दिमाग मत लगाओ और मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। लगता है कोई ललचा रहा है। वो मेरी है। कोशिश करते रहो बेन, कोई ना कोई तुम्हें जरूर खरीद लेगा। तो तुम कहाँ जा रही हो? ग्वेन, मेरी बात सुनो। ग्वेन। तो ठीक है बेन, हम 2 मिनट में लौटते हैं। और सुनो, वैन से कोई छेड़खानी मत करना। ग्रैंडपा, भला 2 मिनट में मैं कर भी क्या सकता हूँ? यही सही मौका है। वाव, अब राहत मिली। हे, तुम लोग कौन हो? वैन के साथ बच्चा फ्री। ओह, तुमने गलत जगह हाथ मारा है बदमाशों। सुना दोस्त, ये चुटकू हमें धमका रहा है। ओह नो, कहीं ये हमें अपने डायपर से ना मार दे। चुटकू डायपर नहीं वाइपर मारेगा। बाल बाल बचा। हाँ, पूरा छिड़क दो पूरा। ऐसा मत करो, गाड़ी टकरा जाएगी। दूर हटो। ये क्या? ग्रैंडपा, दरअसल बात ये है कि मुझे कुछ नहीं सुनना बेन। हम तुम्हें 2 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते हैं ना? पर ग्रैंडपा, जरा बात तो रहने दो बेन। मेरे पास दूसरी वैन चुराने का एक सॉलिड प्लान है। मुंह बंद रखो अपना। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, साफ सुथरे कमरों में रहने से अच्छा कुछ नहीं होता। तुम्हें भी ये सही लगता है ग्वेन? थियोरी में हाँ, लेकिन हम घंटों से सफाई कर रहे हैं पर वो अजीब सी बदबू अब भी हवा में है। हाँ, क्या कमाल की फिल्म है। बेन, कैंपर का तुम्हारा इलाका कूड़ेदान जैसा है, क्या तुम सफाई में हमारी मदद करोगे? बस सिर्फ 5। पिछली बार तुमने 5 कहा था तो वो 5 दिन थे। मेरे मोजे धोने की इतनी जल्दी मची है तो जाओ धो लो, मैं तुम्हें नहीं रुकूंगा। बेबी, मैं घरों गयो। हे, मेरा प्रोग्राम। वाईफाई ने ब्रेक लिया है बेन, हम सब यहाँ रहते हैं, सबको काम करना होगा। मैं काम करूँगा। कम ऑन, मैं दिन भर बड़ी बड़ी गंदगी साफ करता हूँ। फिर तो ये बहुत आसान होगा। तुम्हारे काम की लिस्ट, ये इतना भारी क्यों है? अपना काम नहीं करोगे तो जमा होगा ही। और मुझे ये बताते हुए बुरा लग रहा है बेन, कि तुम हमारे मजेदार पिकनिक पर आज साथ नहीं चल सकते। क्या? इसे कहते हैं कर्मों का फल। जब ग्वेन और मैं मशहूर लोकल बैट गुआनो केव्स में मजे से घूम रहे होंगे, तुम उस दौरान यहाँ पर अपना काम करते रहोगे। बैट गुआनो क्या? और काम पूरा होने तक वाईफाई बंद। आई बात समझ में?
मैं तो बस इतना ही समझता हूँ कि एक्सेलरेटर सब 2 सेकंड में कर सकता है। वाव, वो चलता फिरता घर कूड़े के पहाड़ से भरा हुआ है। चलो अब लग जाओ काम पर, पहले करो लड़के की टाई टाई फिस। तुम्हारे पास पेन है? देखना वहाँ कैसे कैसे कमाल होंगे। हाँ। मैं काम करता हूँ, आप लोग एंजॉय करना, बाय। काम पे लग जाता हूँ। पहले ये लिस्ट देख लूं। बेटे बम्पर साफ करो अभी। ओ तो ग्रैंडपा को बम्पर साफ करवाना है, उन्हें तो मैं नाराज नहीं कर सकता। ठीक है, एक वाईफाई के लिए क्या क्या करना पड़ता है? एक मिनट रुको, ये चीज तो चकाचक साफ है। ये कैसी टोपी पहन रखी है तुमने? आखिर तुम हो कौन? वो बदसूरत बच्चा कहाँ है? बदसूरत तुम? ये एक मिनट रुको, डेविस्टेशन फ्लैट न्यूक्लियर टेस्टिंग में नंबर 1। अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया। साइंटिस्ट कीड़ा सर की अदला बदली म्यूटेट हो गए या फिर और कुछ? चलो इस जीनियस की टोपी थपथपाते हैं और इसे मूंगफली खिलाते हैं। तो अगर तुम एक कीड़े के बॉडी पर लगे छोटे से इंसानी सर हो तो इसका मतलब होता है कि बॉडी छोटी है पर मुक्का बहुत दमदार है। दूसरा पड़ाव, ये गाड़ी हाईजैक कर लो। गाड़ी हाईजैक? दोस्तों हमारी दोस्ती की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई। गाड़ी रोको ताकि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकूं, वरना हमारी दोस्ती कैसे होगी? देखो कीड़े, इसे बदतमीजी कहते हैं। ऐसा करके तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। क्या? ये मेरा एक नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा साइक्लोन है तुम्हारे लिए। क्या बात है, इसे कहते हैं किस्मत। अगर अचानक वो साइक्लोन नहीं आया होता तो हम सीधे उस खाई में गिर गए होते। कम ऑन। एक सेकंड रुको, इस नक्शे के मुताबिक हम गलत दिशा में जा रहे हैं। ओ, उल्टा पकड़ा है, मुझे माफ करना, चलते रहो। Come on, यार। अब कैनन बोल्ट इस गाड़ी को पटरी से उतार देगा, देख लेना। अब तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि ज्यादा सोडा मत पीना। ठीक है, जल्दी करना।